नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। आज थोड़ा तबीयत का इश्यू है और उसी वजह से थोड़ा मूड भी सही नहीं है। खैर, अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने वैक्सीनेट के लिए रजिस्टर किया था और मैं कल वैक्सीनेट भी हो गया कल शाम को। खैर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन का रिएक्शन मेरे ऊपर क्या रहा और लॉकडाउन के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे और प्लस यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भी यहाँ पे वैक्सीन कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। यदि पोलैंड में रहते हैं या आपका कोई रिश्तेदार कोई पोलैंड में रहता है तो आप उस तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हैं और उसको भी ये जानकारी देख सकते हैं। खैर, आज की ये वीडियो में माफ़ी चाहता हूँ कि हो सकता है थोड़ी लंबी बन जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा। कोई म्यूजिक वगैरह, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह मैं इस्तेमाल में नहीं लूँगा। खैर, सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज़ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भी हर कंट्री में वैक्सीनेट की शुरुआत कैसे हुई। वैक्सीनेट की शुरुआत वही सब कंट्रियों में सेम हुई थी, जैसे कि सबसे पहले मेडिकल वर्कर्स को दिया गया, उसके बाद में सरकारी अफसरों को दिया गया, उसके बाद में जो आर्मी वगैरह हैं उनके बाद में 50 से 60 वर्ष की उम्र वाले हैं या कोई बीमार आदमी है उनका नंबर पहले आया। सो यही यही प्रोसीजर यहाँ पे भी हुआ सेम। खैर, यहाँ पे अभी वैक्सीनेट ये सब वैक्सीनेट होने के बाद में अभी यहाँ पे बर्थ ईयर यानी कि जो जन्म का साल है उसके हिसाब से रजिस्टर लोग कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा सही नहीं है कि उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई 1985 में जन्मे जो लोग हैं वो आज रजिस्टर कर सकते हैं, 1986 में जो जन्मे लोग हैं वो कल रजिस्टर कर सकते हैं, 1987 में जो लोग जन्मे हैं वो परसों रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ रहता है। अब तो इसमें यानी कि हम रजिस्टर कहाँ पर कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए हम मैसेज के द्वारा भी इमरजेंसी नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं, बस जो गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर भी हम जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, और जो यहाँ पे जो लोकल वैक्सीनेट सेंटर रहते हैं वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी वैक्सीनेट बुक कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन बुक किया था, ऑनलाइन बुक किया तो वहाँ पे कुछ स्पेशल नंबर वगैरह यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट मेरे से मांगे गए, सो मैंने डॉक्यूमेंट वहाँ पर फिल कर दिया, नेम फिल कर दिया। उसके बाद में वहाँ पर ये भी ऑप्शन था कि भी आप कौन सी सिटी के कौन से एरिया में वैक्सीनेट लेना पसंद करेंगे, क्योंकि एक सिटी में कई वैक्सीनेट सेंटर हैं, तो मैंने अपने हिसाब से वैक्सीन सेंटर चूज कर लिया। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन भी था कि भाई मैं वैक्सीन भी चूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर तीन तीन वैक्सीन अवेलेबल है, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, एक और है शायद एस्ट्राजेनेका समथिंग वो इंडिया वाली। खैर, मैंने जॉनसन एंड जॉनसन में अप्लाई किया था और मेरा कल शाम को वैक्सीनेशन भी हो गया। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन में एक ही डोज लगता है, बाकी का फाइजर में, फाइजर का मुझे मालूम है, मॉडर्ना का मालूम है, एस्ट्राजेनेका का मालूम है, उनमें शायद दो दो डोज लगते हैं। खैर, मेरा काम तो एक ही डोज में हो गया। अब कल शाम को 5 बजे करीबन वैक्सीनेट हुआ तो उन्होंने बोला कि भाई 15 मिनट बैठो यहाँ पे, यदि कोई रिएक्शन होता है तो हम आपको वो दूसरा मेडिसिन देंगे, और यदि कोई रिएक्शन नहीं होता है 15 मिनट बाद में आप अपने घर जाओ। तो वैक्सीनेट होने के बाद में 15 मिनट 10 मिनट इंतज़ार किया और मैं तो सीधा घर आ गया। अब रिएक्शन क्या रहा? रिएक्शन शाम को तो कुछ नहीं रहा, रात को करीबन आधी रात के बाद में थोड़ा बहुत बुखार आया और थोड़ा बॉडी पेन हो गया, शरीर में दर्द हो गया, जो कि यहाँ पे मैं करीबन 5-6 लोगों से मिल चुका हूँ जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनके भी ये सब ऐसा ही कुछ नॉर्मल था, यानी किसी हाथ में दर्द हो गया, किसी के थोड़ी नॉर्मल बुखार हो गई और इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। प्लस यहाँ पे मेरे से पहले 40 बंदे थे, तो
अब जो मेडिकल स्टाफ है वो सीधा बोल रहे थे, भैया यहाँ पे वैक्सीनेट लगवाने आए हो मास्क लगा के रखो, नहीं तो ऊपर ना नीचे मास्क आपके यहाँ पे नाक से लेके यहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद में जो दूरी बना के रखते हैं वो भी यहाँ पे करीबन 1-1.5 मीटर की दूरी पे हर आदमी खड़ा था। खैर ये तो रही वैक्सीनेशन की बात और रिएक्शन की बात, अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे लॉकडाउन की क्या स्थिति है। यहाँ पे लॉकडाउन में अभी काफ़ी छूट है, सैलून्स खुले हैं, प्लस गैलरीज खुली हैं, प्लस होटल्स खुले हैं, प्लस जो कि रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो भी अभी खुलने वाले हैं, यानी कि बाहर बाहर की साइड में। यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे यूरोप में रेस्टोरेंट के बाहर भी कुर्सियाँ वगैरह लगाई जाती हैं और लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, तो उसको बोलते हैं गार्डन। वो गार्डन नहीं है कि भाई बाग बगीचा वाला गार्डन नहीं, तो गार्डन वगैरह अभी ओपन होने वाले हैं, रेस्टोरेंट गार्डन, वहाँ पे हम रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। प्लस अभी तक मास्क लगाना अनिवार्य है, यानी कि रोड के ऊपर किसी गली में या पब्लिक प्लेस में, शॉपिंग सेंटर में मास्क लगाना अनिवार्य है। प्लस अब चेंज क्या होगा, यानी कि हो सकता है यदि ऑल स्थिति सही रही ना तो 15 तारीख तक हो सकता है कि यहाँ पे मास्क फ्री हो जाए। मास्क फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह मास्क फ्री हो गया, मास्क ज़रूरी रहेगा केवल पब्लिक स्पेस में और जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर। खैर यहाँ पे इंडिया की भी यानी कि अपने भारत की भी काफ़ी न्यूज़ कोरोना वायरस की आती है, तो यहाँ पे भारत से भी करीबन जो भारत का कोरोना वायरस है उसको ज़्यादा खतरनाक मानते हैं लोग। वहाँ से करीबन भारत से 20 जने यहाँ पे आए थे, जो कि कोई बिजनेसमैन वगैरह होंगे या कोई नन वगैरह होंगे या कोई एक डिप्लोमेट भी था, वो भी उसकी फैमिली भी आई थी। तो 20 से 25 केसेस थे थोड़े दिन पहले, अभी की ताज़ा स्थिति मेरे को मालूम नहीं है। प्लस अब आप बताइए कि आपने वैक्सीनेशन का रजिस्टर करवाया या नहीं करवाया, प्लस आपके वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहाँ पे भी, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कैसा चल रहा है वो भी आप बताइए। प्लस आपके मन में इस वीडियो के ऊपर कोई भी यदि सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। खैर आज की ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, आई डोंट नो कब मिलूँगा क्योंकि आजकल वीडियो में कम ही बनाता हूँ। खैर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय भारत।